हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो देखिए बच्चों, ये आपके पास एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है। इसमें धारा यहाँ से इंटर हो रही है और इस तरीके से फ्लो हो रही है, दिखाई दे रही है। और अपन को फाइंड आउट करना है यहाँ पर इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र फाइंड आउट करना है। तो अपन ने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया ए बी, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया इस पूरी कुंडली का, ठीक है। ये अल्पांश आपका जिसकी लेंथ कितनी है, डी एल लेंथ है, और ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, रेडियस के जितनी डिस्टेंस पे, आर। तो अपन को लिखना कैसे, चित्रानुसार आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की मान ज्ञात करना है। यहाँ पर मान ज्ञात करना है, इसके लिए डी एल लंबाई के अल्पांश से बी की कल्पना करते हैं। ये आपने लिख दिया। अब बायो सावर्ट का नियम अपन जानते हैं। बायो सावर्ट का नियम अल्पांशों के लिए लगता है, छोटे अल्पांशों के लिए। तो अपन ने एक एल बी ए बी अल्पांश के लिए, डी एल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर अपन बायो सावर्ट के नियम से कितना हो जाएगा, डी बी इक्वल्स टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह बायो सावर्ट का लॉ कहता है। अब यहाँ इस आर और इस डी बी में कितना एंगल बन रहा है, सॉरी डी एल में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का, ये दिखाई दे रहा है 90 का। तो साइन थीटा की जगह कितना हो जाएगा, 90। तो अब अपने पास आपके पास क्या बच जाता है, म्यू जीरो पॉइंट फोर पाई आई डी एल साइन 90 आर स्क्वायर। 90 साइन की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कहाँ है, ये आर और इस डी एल अल्पांश में, ये ए बी अल्पांश में कितना एंगल बन रहा, 90। तो आपके पास 90 पुट कर दिया। साइन 90 की वैल्यू हर बच्चे को पता कितनी होती है, 1 होती है। तो अपने पास जो अब आगे बचता है वो ये बचता है, डी बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 होगी। अब अपन क्या किया कि ये तो आया इस अल्पांश की वजह से, ये ए बी अल्पांश था, इसकी वजह से आया डी बी म्यू जीरो। अपन को चाहिए पूरे की वजह से, ये क्योंकि ये पूरी जो कुंडली है वो आपकी ए बी जैसे लाखों अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। और अपन जानते हैं जब छोटी चीज़ का पता होता है और पूरी का कैलकुलेट करना होता है तो अपन इंटीग्रेशन करते हैं यानी समाकलन करते हैं। तो मैंने वही बात हिंदी में लिख दी, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए समाकलन करने पे। तो अपन ने ये समाकलन कर दिया, बी और इस डी बी का क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। बी इक्वल्स टू डी बी की वैल्यू पुट कर दी, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अपन क्या किया, म्यू जीरो कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। म्यू जीरो की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। इसको बाहर ले लिया, आई जो करंट आपने एक बार फ्लो कर दी वो भी कॉन्स्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। 4 पाई अपन जानते हैं, पाई 22/7 ये भी कॉन्स्टेंट है, और सर कुंडली की या फिर जो आपकी सर कोयल है उसकी रेडियस भी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर, ये चारों क्वान्टिटीज बाहर आ गई। जो चेंज हो रही है वो कौन, डी एल, क्योंकि डी एल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो जो पूरा अगर छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ोगे, ये मान लो ये पूरा कुंडली थी, ठीक है, इसके छोटे छोटे टुकड़ों को सबको जोड़ते जाओगे, इन सबको जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाएगी, ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा। और सर्कल का सर्कमफेरेंस या परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, सारे पार्ट को जोड़ दो। यहाँ पर 2 पाई आर मैंने पुट कर दिया, डी एल एल की जगह 2 पाई आर पुट कर दिया, ये पुट कर दिया। अब देखिए आर से आर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया म्यू जीरो आई अपॉन 2 आर। यदि इसमें ये बहुत सारे फेरे हों इस तरीके से तो ये कितने हो जाएंगे, 3। तो यहाँ 3 फेरे, तो अगर एन फेरे हो तो अपन क्या कर देंगे, म्यू जीरो